3-3 फुट है पूरा रास्ता बंद हो जाए। फिर खाने पीने का सामान पहले से ले कर, पहले स्टॉक ना अभी पहले। तो भाई फाइनली हम लोग मॉर्निंग हो चुकी है और पदुम की रोडों पे हम लोग घूम रहे हैं और भाई के साथ घूम रहे हैं। हाँ भाई, मजे लेते हुए। और भाई छोटा सा कस्बा है पर बहुत ही अच्छा कस्बा लगा मुझे देखने में। तो यार आज अच्छा है, मतलब अभी तक के 200-250 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिली हमें पदुम जैसी जगह। तो पदुम के थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ मैं आपको आसपास का। ये है माउंटेन सामने और आगे जाके राइट में कहीं हमारा होटल है। ये है कुछ व्यू। तो एक बार होटल का भी ओवरव्यू दे देता हूँ मैं, एक बार कैसा है होटल हमारा और कैसे एंट्रेंस, कहाँ से एंट्रेंस है। और बस आज प्लान है लिंगसिंग जाने का, 80 किलोमीटर है, देखते हैं रोड कैसी मिलेगी हमें। और बाइक ऐसी चलती है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत टूट गए उसको एक सामान, कोई नहीं रिपेयर करवा लेंगे उसको वापस जयपुर जाके। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है, अगर यहाँ स्नो पड़ गई अभी इस टाइम पड़ गई, आजकल पड़ गई तो हम लोग यहीं ब्लॉक हो जाएंगे। सही बात है, ना तो हम पीछे जा सकते हैं किलोंग की तरफ, मनाली नाम लेह की तरफ जा सकते हैं, तो यहाँ स्नो के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और भाई पदुम तो यार है यार ऑसम है यार, लुक देखो एकदम। हम लोग वॉक कर रहे हैं सुबह 9 बजे, घूम रहे वैसे देख रहे हैं पदुम को, एक्सप्लोर कर रहे हैं थोड़ा बहुत। ये पदुम का डाउनटाउन एरिया जो होता है, एक मेन मार्केट वो है ये, इस टाइप की दुकान है कुछ, फ्रूट्स वाली दुकान है। ये हमारा होटल है, ये कुछ ऐसा है और सामने पहाड़िया है। और अपनी देखो यहाँ एक ही एसटीडी की दुकान है और सिर्फ बीएसएनएल का नेटवर्क आता है यहाँ पे, और किसी ने बीएसएनएल का भी कभी कभी आता है और पोस्टपेड का ओनली। तो चलते आगे रेस्टोरेंट की तरफ, कुछ ब्रेकफास्ट कर जाते हैं। तो ये है यहाँ का भाई लोकल फूड, प्लेन रोटी अच्छा है। तो भाई लोकल फूड तो आपने देख लिया, तो लोकल फूड के बाद अब चलते हैं अपन होटल की तरफ। अपने होटल का एक और व्यू देता हूँ। तो यहाँ से ही सीढ़ियाँ चढ़ गए और मेन रोड पे ही अपने होटल ही है, यहाँ से राइट। ये इनका डाइनिंग एरिया, और ये अंदर अपने रूम्स है यहाँ पे, तो कुछ इस टाइप का ही है ना, और लकड़ी का है या लकड़ी की कारीगरी का रखी है ऐसा कुछ है यहाँ पे। और रूम नंबर 102, ओह चाबी भाई के पास है, तो चाबी भाई के पास है, गेट के नीचे से आ रहा भाई, फिर यहाँ से बस। और कल नानी की छुट्टी हो गई, कल नानी की छुट्टी हो गई थी, आज वापस नानी की छुट्टी हो चुकी है। और क्योंकि यहाँ पे पानी है पर गीजर नहीं और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो लिंक से की तरफ चलते हैं फिर वापस पैकिंग करके अपना सामान। तो ऑल सेट टू गो, रेडी हो गए अपन, और जींस चेंज कर लिया आज अपन ने क्योंकि काफ़ी फट चुकी थी जींस। तो अभी हमें पदुम, तो पदुम से हम पहले जाएंगे एक मॉनेस्ट्री। भाई मॉनेस्ट्री का नाम क्या है? तो करसा मॉनेस्ट्री निकलेंगे, करसा मॉनेस्ट्री यहीं पास में है, 1 किलोमीटर है। तो पहले पेट्रोल भरवाते हैं उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। तो पदुम निकलने से पहले पदुम का एक व्यू दिखा देता हूँ कैसा लगता है पदुम। ये देखो चारों तरफ माउंटेंस माउंटेंस और इनके बीच में घिरा हुआ पदुम है। भाई नंबर प्लेट लगा लो कैसे, नंबर प्लेट ये पीछे सर। ये देखो कितने सारे सिलेंडर रखे हुए यहाँ HP के हैं, यहाँ क्या है बैकअप रखते हैं पीछे बीच में 6-7 महीने का, क्योंकि और सारे भरे हुए सिलेंडर है।
कभी कब नहीं पता, कभी भी कभी कुछ नहीं पता कब यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो जाए तो सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। ये मतलब लेह से कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी इसकी, इधर से मनाली किलाऊँ वाली कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी पूरी। तो पेट्रोल भराते गाड़ी में, बाइक तो पेट्रोल भराते बाइक में, 110 किलोमीटर की रेंज है अभी, तो फिर भी अपन भरवा लेते हैं। तो ये कुछ प्लेज है करसा मोनेस्ट्री की तरफ जाता हुआ रोड, और बाकी गांव देख लो कितना प्यारा गांव लग रहा है, और यहाँ तक रोड है, मतलब अच्छी रोड बनी हुई है। हम लोग कल आए थे 10 या 15 किलोमीटर एंट्रेंस से पहले रोड स्टार्ट हो गई थी, नहीं तो उससे पहले पूरी ऑफ रोड थी, पूरी ऑफ रोड। और BRO काम कर रहा है यहाँ भी भाई, करसा मोनेस्ट्री के लिए, करसा मोनेस्ट्री इधर सीधा, उधर से, इधर से इधर से रोड नहीं है, इधर बाइक चल जाएगी है ना। अच्छा ठीक है, यहाँ से रोड बता दो रहा है, पर खराब रोड बता रहा है आगे से, बोलो घूम के जाओ रोड सही मिलेगी। चलो हम यहीं से ऑफ रोड ट्राई कर लेते हैं एक बार। झूले तो भाई साहब यहाँ से भी रोड नहीं मिल पा रहा, ये लोग कन्फ्यूजन है। ईट बना रहे हैं ना, ईट देखो कैसी, ईट तो नहीं कुछ और, ये कितनी भारी भारी है, डिवाइडर टाइप का कुछ है ये। रास्ता नहीं है यहाँ से, नहीं रास्ता यहाँ से, कच्चा रास्ता है। बाइक, ये बाइक चल जाएंगे ना, हाँ तो आ जाना, रास्ता है। क्या चक्कर बाबा, रास्ता नहीं मिल रहा, ये जो कार बना है ना, हाँ जाएगा ठीक है, अच्छा इधर की तरफ है, नीचे जाए, थोड़ा नीचे जाके आपको एक कच्चा रोड मिलेगा, उसी से निकल जाना। ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद। तो ये है पदम विलेज के गांव, देख लो भाई पदम विलेज के गांव देख लो कैसे कैसे गांव है, और सब एक जैसे गांव मिलते हैं, मतलब घर मिलते हैं यहाँ पे, और कलर रहता है एक तो रेडिश, ये रेड कलर टाइप होता है ऊपर से और बीच में पूरा वाइट, और खिड़कियाँ होती है इनकी लकड़ी, लकड़ी की, और सोलर ज़्यादा से ज़्यादा सोलर यूज़ करते हैं ये लोग लाइट के लिए। तो यहाँ से तो शायद बीच में नाला जा रहा है, अब देखते हैं आगे से रोड कहीं है या नहीं है, यहाँ से भी एक रोड जा रहा है अलग से। मॉनेस्ट्री सारी होती है ऐसी पहाड़ों पे ही होती है सारी, सारी मॉनेस्ट्री मैंने जितनी भी देखी है, ऐसे कहीं बीच में से कहीं नहीं मिलेगी आपको, आपको हाइट पे ही मिलेगी हमेशा। झूले एक बार यहाँ से व्यू दे देता हूँ मैं आपको, देखता हूँ फिर चलते हैं चलते, क्योंकि हाइट पे काफी ऊपर। करसा मॉनेस्ट्री भाई कहाँ पादुम में आ गए, करसा मॉनेस्ट्री में एंटर करके सब कुछ डिफरेंट अलग ही। मेरे ख्याल से तो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि पदुम भी कोई एक गांव है, कोई विलेज है, और वो भी इतनी दूर हाइट पे आके। झूले तो ये अपनी बाइक, काफ़ी कुछ हो गया इसमें दिक्कतें, मतलब चल तो अच्छी रही है
पर टूट काफी कुछ गया, सही करवा देंगे कोई रिपेयर। और भाई क्या कर रहे हो? हाँ जी आपको तो हेलमेट, क्या करोगे हेलमेट का? बाइक चलाओगे? अच्छा क्या करोगे ऊपर जाके? और बोलो ऊपर क्या करोगे बताओ? आगे बस बहुत है, और क्या करोगे ऊपर जाके? सेम चीज मिलेगी ऊपर भी, वही वही मिलेगा सबको सेम। फोटो खिंचवा लो यहीं से, बढ़िया बढ़िया। जाओ जाओ ऊपर जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, जाओ हाइट पे काफी है। ये जाएगा, ये मोटरसाइकिल नहीं, ये जाएगा। ठीक है आज जाओ, तो एक फोटो लेते बच्चों के साथ। हैं क्या करेगा जाके? कितने लोग रहते हैं यहाँ पे आसपास पादो में? पोले टोटल 4-5 हज़ार। 4-5 हज़ार लोग रहते हैं? 4-5 हज़ार तो नहीं लगते, ज़्यादा लगते हैं मुझे तो लोग, शायद ज़्यादा। काफ़ी घर बने हुए हैं यहाँ, से लेकर तो तकरीबन 9-9 हज़ार से कुछ ऊपर जा सकता है। और स्कूल है यहाँ पे? स्कूल है यहाँ। कितनी स्कूल हो गई कम से कम यहाँ पे? 2-3 स्कूल है। 12वीं तक है? 12वीं तक है। कॉलेज होगा नहीं? कॉलेज नहीं, कॉलेज है अभी बना रहा है। और पेट्रोल पंप है यहाँ? पेट्रोलियम, पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप है दो जगह पे, दो जगह पेट्रोल पंप है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। और हॉस्पिटल? हॉस्पिटल भी, हॉस्पिटल भी है। हाँ तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। और अभी आप ये स्नोफॉल नहीं पड़ी गई अभी तक? अभी नहीं पड़ेगा, नवंबर एंडिंग। तो ये पूरा ब्लॉक हो जाता है कि पूरे रास्ते? पूरा रास्ता बंद होता है, 6 महीने के लिए कटअप होता है। और ना ले जा सकते ना इधर जा सकते, पीछे ना ले जा सकते ना हिमाचल जा सकते ना कहीं जा सकते। कितनी कितनी स्नोफॉल, वो स्नो होती होगी यहाँ पे? सुना था तकरीबन 3-3 फुट। 3-3 फुट है, पूरा रास्ता बंद हो जाता है, पूरा पैक होता है। फिर खाने पीने का सामान पहले से लेकर स्टॉक होता है? पहले स्टॉक है ना। अभी सिलेंडर देखे, काफी सिलेंडर रखे हुए थे यहाँ। सर्दी के लिए हर सामान स्टॉक होता है, राशन स्टॉक होता है। आपका नाम क्या है? समंदर जी। आप यही रहते हो? मैं दिखता हूँ। अच्छा ये आप गाँव करचा? करचा विलेज है? करचा, करचा, करचा विलेज, करचा मॉनेस्ट्री। मॉनेस्ट्री ठीक है भैया। तो व्लॉग की एंडिंग करते हैं यहाँ से, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। तो ये करचा, करचा मॉनेस्ट्री थी, पीछे है बंद है, पर अभी सारी आधी से ज़्यादा मॉनेस्ट्री सारी बंद हो रही है क्योंकि छुट्टी वुट्टी का टाइम रहता है इस टाइम। तो ठीक है, बाकी भाई पिछले व्लॉग भी देखते रहो, बहुत प्यार दीजिए। और अभी नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। मिट्टी बहुत है यार, तीन दे रहा था, एक से मिट खाता है, एक से घास खाता है। हमारे से पहले चला गया, सामने से निकला। हाँ, चला कुछ गया। करा नहीं आपको? नहीं, नहीं। करता नहीं कुछ है? नहीं, नहीं।